ये CO2 का है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये PY का आपने बना दिया PY के साथ, है ना? हाँ, ये PY का PY के साथ, और ये PZ का, ये PZ का, ये PZ के साथ, ठीक है, ये PZ का PZ के साथ, ठीक है। यानी इसमें PY PZ दो है, तो PY का एक के PY के साथ और PZ का दूसरे के PZ के साथ, क्योंकि एक का हमने ओवरलैप करवा दिया है, तो बाकी बचा PZ, PZ का दूसरे के साथ ओवरलैप करवाओगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये CO2 का ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो SP2 हाइब्रिडाइजेशन। पहला हमारा टाइप था SP हाइब्रिडाइजेशन या SP संकरण, दूसरा है SP2। वो अपने लास्ट में करेंगे, ठीक है। होमवर्क वाला लास्ट में करेंगे, अभी लिखो सेकंड है आपका SP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बात मत करो। अब SP2 में क्या है, कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? एक एस, दो पी, ठीक है, और तीनों मिलके क्या करेंगे, तीन SP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे जो सेम एनर्जी सेम शेप के होंगे, ठीक है। तो आपने जैसे SP के अंदर पहले लाइंस लिखी थी, वैसे ही SP2 के अंदर लिखो। क्या लिखा था उसमें, कि एक एस कक्षक एक पी कक्षक आपस में मिक्स होके क्या बनाते हैं, दो SP संकरित कक्षक बनाते हैं। वैसे ही इसके अंदर लिखना है एक एस कक्षक दो पी कक्षक आपस में मिक्स होकर तीन SP2 संकरित कक्षक बनाते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ये लैंग्वेज खुद से लिखनी है आपको। एक एस कक्षक दो पी कक्षक आपस में संकरण करके या मिक्स होकर मिलकर तीन SP2 संकरित कक्षक बनाते हैं, 1s 2p फॉर्म्स 3 SP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तीन SP2 संकरित कक्षक बनाते हैं जो कि समान ऊर्जा और समान आकार के होते हैं। 3 SP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप, समान ऊर्जा और समान आकृति के होते हैं। इनकी ज्यामिति, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, समतलीय त्रिभुजीय होती है। इनकी ज्यामिति समतलीय त्रिभुजीय, ट्राइगोनल प्लेनर बंद कोण बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। बंद कोण 120 डिग्री होता है। ठीक है, डायग्राम बनाना है आपको एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये मिलेंगे किसके साथ, दो पी ऑर्बिटल के साथ, और बनाएंगे तीन SP2 संकरित कक्षक। आप दो पी ऑर्बिटल बना दो, ठीक है, ये तीनों मिक्स होके PX PY कुछ भी मान लो आप, ये क्या करेंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और 120 डिग्री एंगल पे बनाएंगे।
ठीक है 120 पे कर लेना इनको अंदाजे से। ठीक है एग्जाम्पल है इसका BCl3 बोरोन ट्राई क्लोराइड, बोरोन ट्राई क्लोराइड BCl3। अब बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, P1 होता है ना, 2P1। ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे हायर एनर्जी लेवल के अंदर। बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1, ये सीधा ही लिख लो। अब क्या करेंगे, 2s वाले एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करेंगे 2p के अंदर। ठीक है तो आफ्टर एक्साइटेशन ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 2px1 2py1, ये लिखो। एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p के अंदर उत्तेजित करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है एक्साइटेशन से पहले क्या था, एक्साइटेशन के बाद क्या है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे 1s और 2p ऑर्बिटल। ठीक है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में पार्टिसिपेट करेंगे 1s और 2p ऑर्बिटल, इससे क्या बनेंगे 3 sp2 संकरित कक्षक। ठीक है तो इसमें ये लाइन लिख लेना, बोरोन का 1s और 2p कक्षक, बोरोन का 1s और 2p कक्षक मिलकर 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं जो क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले, बोरोन का 1s कक्षक 2p कक्षक मिलकर 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं जो क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले pz कक्षक के साथ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले pz कक्षक के साथ अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। BCl3 की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है BCl3 की, यानी यहाँ पे बोरोन और 3 क्लोरीन के बीच में ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड किससे बनेंगे, बोरोन के 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5 होता है p5। तो हम क्या मानते हैं px2 py2 pz1। ठीक है तो जो pz1 है वो क्या करेगा, वो इस sp2 संकरित कक्षक के साथ ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले तो बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो भी 120 डिग्री एंगल पे बना लो।
ठीक है, ये बोरोन के तीन sp2 संकरित कक्षक है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये तीन क्लोरीन के pz कक्षकों के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये pz है, क्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है टिन डाइक्लोराइड SnCl2। SnCl2 टिन जो है उसमें मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो होता है वो 5 होता है, 5s2 5p2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है टिन डाइक्लोराइड SnCl2। ठीक है, तो टिन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 4d के बाद का। 4d से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, क्रिप्टोन आता है ना। तो यहां पे ये क्या होगा, 5s2, यानी यहाँ पे क्या होता है, 4d फील्ड होता है, उसके बाद में आएगा क्या, 5s और 5p। ठीक है, तो ये लिख लो, फाइव पी टू। अच्छा, ये कौन से ग्रुप में आता है, टिन कार्बन के। ठीक है, कार्बन का आपको पता है कि पी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। बोरोन के जस्ट बाद कार्बन आता है, बोरोन में पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन में 2 होते हैं, उसी के ग्रुप का है टिन, तो इसके भी पी ऑर्बिटल में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको याद नहीं आए तो आपको ग्रुप का पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, और अगर इसको एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा, ठीक है, लेकिन हमारा कंपाउंड क्या है, देखो SnCl2 ये हटा दो बोरोन वाला, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल किए हैं उसमें हमने क्या किया है, 5s को एक्साइट करके हम लेके गए हैं किसके अंदर, P के अंदर। ठीक है, लेकिन एक्साइटेशन से पहले आपको ये देखना है कि इसको बॉन्ड बनाने कितने हैं, यानी हमें कितने s और कितने p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या है, SnCl2 है ना, यानी यहाँ पे 2 क्लोरीन ही आके जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 ही हमें सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये जो है PX2, इसको किस तरह से लिखते हैं हम, है ना, दोनों अनपेयर्ड होते हैं हमेशा, है ना। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाने हैं कितने, सिर्फ 2। ठीक है, तो हमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक PX1 में एक PY1 में, लेकिन पार्टिसिपेट करवाएंगे हम तीनों को। क्यों, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हमारा। ठीक है, ये sp2 किस वजह से है, इस s के एक लोन पेयर की वजह से। s का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों, वो क्या होंगे, लोन पेयर की फॉर्म में होंगे। जैसे H2O का मॉलिक्यूल है तो H2O के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर SnCl2 के अंदर टिन के पास 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो इस लोन पेयर को भी हम साथ में काउंट करते हैं, है ना। जब भी H2O में ऑक्सीजन का हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो कौन सा होता है,
sp3, ठीक है, कैसे देखेंगे? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने होते हैं? टोटल दो होते हैं. लोन पेयर दो होते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, टोटल चार, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी चार ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ऐसे ही टिन के अंदर ये जो 5s के इलेक्ट्रॉन है ये एज ए लोन पेयर काम में आएंगे, क्योंकि हमें बॉन्ड सिग्मा सिर्फ दो ही बनाने हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें इसे एक्साइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो हम बॉन्ड बनाएंगे. अच्छा, ये पार्टिसिपेट करेंगे s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2. कितने ऑर्बिटल बनेंगे? तीन, सेम एनर्जी के, सेम शेप के. ठीक है, जिसमें से दो तो बॉन्ड बना लेंगे क्लोरीन के साथ, एक आपके पास बचेगा लोन पे. ठीक है, ये लिख लो, ये एक्साइटेशन नहीं करवाना है आपको. ठीक है, लिख लेना इसके आगे क्रॉस लगा के कि क्यों नहीं करवाया, ताकि याद रहेगा. ठीक है, तीन sp2 संकृत कक्षक बनाने हैं, वैसे ही उसी तरह से जैसे आपने बोरोन के बनाए थे, 120 डिग्री पे बनाओगे. ठीक है, जिसमें से दो बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ? क्लोरीन, क्लोरीन के भी पी जेड ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे आप दो बॉन्ड बना दो किसके साथ? क्लोरीन के पी जेड के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड, ये क्लोरीन का पी जेड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये आपका लोन पेयर. लेकिन ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल 120 डिग्री ही होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 है. फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत. ठीक है, तो आपको एंगल याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फर्क पड़ता है क्योंकि बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है, बंद पेयर और बंद पेयर का जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो सबसे कम होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का उससे ज्यादा होता है, लोन पेयर का सबसे ज्यादा होता है. होने वाला है, ठीक है. तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है ये ज्यादा होता है, ये रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये एंगल जो है वो आपका थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है, ये वाला एंगल कम, ये वाला एंगल ज्यादा. लेकिन यहाँ पे आपको वैसे अलग अलग एंगल याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, ये बना लिया. इसी के अंदर और एग्जांपल लिख लो. अच्छा, इसमें ये लिख लेना कि एक 5s का इलेक्ट्रॉन, दो 5p के इलेक्ट्रॉन आपस में संकरित होकर तीन sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं. लिख लोगे अपने आप, है ना? लिख लोगे, तीन sp2 संकरित कक्षक बनते हैं, 120 डिग्री पर होते हैं और ट्राइगोनल प्लेनर होता है, दो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के पी जेड ऑर्बिटल के साथ में ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक लोन पेयर रहता है. लिख लोगे, है ना? ये सबके अंदर इस तरह की लैंग्वेज लिखनी है आपको. जो भी हाइब्रिडाइजेशन है, पहले उस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताओ, फिर उसका एग्जाम्पल लिखो, फिर उसके एग्जाम्पल में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, फिर उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ. ठीक है, ये सारी लैंग्वेज आपको लिखनी है लगातार. इसी के साथ में इसके और एग्जाम्पल है, SO2. SO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसके अलावा कार्बोनेट CO3-2, कार्बोनेट CO3-2, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के. ठीक है, NO2-, बाइकार्बोनेट HCO3-, सेम होगा, है ना? इसमें बस एक हाइड्रोजन जोड़ दिया है हमने और SO2, SO3, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, NO2-. ये सारे एग्जांपल हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के. तो आपका कल का होमवर्क, आपको ये सारे इनके सबके ऑर्बिटल डायग्राम बना के लाने हैं. पूरी थ्योरी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ इनके ये वाले डायग्राम बनाने हैं.
ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, है ना, वो जरूर साथ में लिख लेना ताकि ध्यान रहे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद में हेडिंग डाल लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण। ये sp2 कंप्लीट हो गया, उसका हमने दो एग्जांपल देख लिए, एक bcl3 बोरोन टेट्राक्लोराइड और snCl2 टिन डाइक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है, नेक्स्ट संकरण है sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण। अब इसमें भी लिख लो, एक s कक्षक, तीन p कक्षक मिलकर 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। एक s, तीन p मिलकर 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं, इसे sp3 संकरण कहते हैं। इनकी संरचना या ज्यामिति, ज्योमेट्री या ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री या ज्यामिति टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। और बंद कोण, बोंड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, बोंड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने आपको काफी बार बताई है पहले, तो वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी अपने कल वाली क्लास में और देख लेंगे। ठीक है, तो अभी एक तो होमवर्क के लिए जो एग्जांपल लिखाए हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, उनके ऑर्बिटल डायग्राम बना के लाना, ठीक है, ये हम कल वाली क्लास में करेंगे। इसके एग्जांपल लिखना है तो लिख लो, एक CH4 होता है मिथेन, H2O जल, अमोनिया NH3, अमोनिया NH3, ठीक है, बहुत ज्यादा कोमल एग्जाम्पल है ये तीनों के तीनों। आपको जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, ये तीनों एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये अपने कल वाली क्लास में करेंगे।